अगर फेंक देते हैं ना तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में कभी नहीं फेंकेंगे। राधे कृष्णा एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए छिलके की रेसिपी। जो कि छिलके आप फेंक देते हैं ना, बस उसी की रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। देखिए, ये मैंने तोरई को, आज मैं तोरई बनाने जा रही थी तो मैंने तोरई को छील लिया है। अब मैं तोरई की रेसिपी आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी इनके छिलकों की रेसिपी। चलिए, इन छिलकों को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से 2-3 पानी में। अब इनको मैं कट कर लूँगी। देखिए, कट भी आसानी से, ज़्यादा फाइन नहीं करना है, ऐसा रफली सा चप इनको कट कर लेंगे। जब सारे ये हमारे कट हो जाएंगे तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए, सारे हमारे ये कट हो गए हैं। अब हमने कटोरी में बेसन लिया है, ये 3 से 4 चम्मच के करीब बेसन। 2 हरी मिर्च को काट लिया है। अब देखिए, मैंने ये आयन की कढ़ाई ली है, लोहे की। आपके पास अगर लोहे की ना हो तो आप कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं। अब इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसके बाद इसमें हींग और ये हरी मिर्च डाली है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे आधे चम्मच के करीब। अब जो हमने छिलके काट कर रखे थे उनको इसमें डाल देंगे और इनको 1 से 2 मिनट तक हल्दी में ही भूनेंगे, जब तक इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। बस इनको भूनने के बाद में अब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि ये जब बनेंगे ना तो थोड़े रह जाएंगे, इसलिए उसी हिसाब से डालेंगे जैसे भिंडी में डालते हैं हम लोग, बस वैसे ही। अब इसमें धनिया डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, जितना आप तीखा पसंद करते हो। ध्यान रखिएगा, हरी मिर्च भी इसमें डाली है। अब बस इनको इकट्ठा करके ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट बाद जब हम इन्हें चेक करेंगे तो ये अच्छे से पक गए होंगे, और जब हम उंगली से दबा कर देखेंगे तो ये सॉफ्ट हो गए होंगे। अब हम इसमें बेसन को ऐड कर लेंगे। देखिए, बेसन हमें पूरा इकट्ठा ऐसा नहीं डालना है, 1 चम्मच से लेकर ऐसे ऐसे स्प्रेड कर लेना है और मिक्स करते रहेंगे। पूरा एकदम से बेसन नहीं डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा बेसन करके मिक्स करते रहिएगा। अब देखिए, अब मैंने इसमें पहले आधा बेसन डाला था 2 चम्मच के करीब। अब 1 चम्मच और जो बचा हुआ था वो भी इसमें हम डाल देंगे, तो ऐसे टोटल 3 चम्मच के करीब बेसन हमने इसमें पूरा डाला है। और ये तोरई के पत्ते थे, छिलके थे हमारे, 500 ग्राम तोरई के थे निकले हुए ऊपर का डंठल हटाकर। अब इसमें थोड़ा 1 चम्मच के करीब पानी को हम ऐड करेंगे। अब इनको मिक्स करके ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए बस। पर बीच बीच में आप चला भी लीजिएगा, नहीं तो आपके ये पत्ते लग जाएं। अब बस इसमें गरम मसाला ऐड कर कर इनको हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इनको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, या सिंपल प्लेन रोटी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ना प्याज ना लहसुन, बहुत ही झटपट से बेसिक मसालों के साथ ही ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा और मेरे साथ मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।